बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अ टॉपर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द चैप्टर 9 ऑफ दिस बुक, मल्टीपल वॉइसेस एंड इंट्रोडक्शन टू बाइलिंगुअलिज्म, जी जो कि बाइलिंगुअलिज्म के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है ये बुक। और इस बुक के चैप्टर 9 को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोज़। और एक और बात कि इसको मैं बाइलिंगुअलिज्म के प्लेलिस्ट में ऐड करी हूँ, तो हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए आई मेड डिफरेंट प्लेलिस्ट्स। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ टॉपिक ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो आप प्लेलिस्ट्स में जाके उसको ढूंढ सकते हैं। तो चैप्टर 9 इस बुक का है, व्हाट हैपन्स टू ग्रामर्स इन बाइलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बाइलिंगुअल्स जो हैं या उनकी बाइलिंगुअल जो लोग हैं या उनकी बाइलिंगुअलिज्म जो है या उनकी कम्युनिकेशन के अंदर ग्रामर को, उनकी बाइलिंगुअल जो ग्रामर है, उनकी स्पीच जो है उसके अंदर ग्रामर को क्या होता है, ठीक है, उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें कि क्या क्या सब टॉपिक्स मेन हैं। इंट्रोडक्शन, कोड स्विचिंग, उसके बाद क्लासिक कोड स्विचिंग, उसके बाद MLF मॉडल, उसके बाद सिंगल अकरिंग वर्ड्स, उसके बाद मैट्रिक्स लैंग्वेज फ्रेम्स, उसके बाद 4M मॉडल, कन्वर्जेंस एंड अट्रीशन, और उसके बाद है क्रिएशन ऑफ पिजन्स एंड क्रियोल्स, देन पिजन्स, देन क्रियोल्स, और फिर हम इस चैप्टर को सम अप करेंगे, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं। और वीडियो के एंड पे जो है ना, मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो व्हाट आर द मेन टॉपिक्स, को कौन से इस चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स हैं कि जिनको आप एग्जाम के लिए जाने से पहले ज़रूर 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 याद करें या रिवाइज करके जाएँ। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फिनोमेना अकर व्हेन स्पीकर्स रेगुलरली यूज टू और मोर लैंग्वेजेस इन देयर डेली इंट्रोडक्शंस। These phenomena involve how elements from different languages language varieties are used together or how the grammar of one language affects another. मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि bilinguals की लैंग्वेज के अंदर के ग्रामर को क्या होता है। तो जब लैंग्वेज कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं, लैंग्वेज कॉन्टेक्ट ऐसा फिनोमेना है, वो तब होता है जब जो स्पीकर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को अपने डेली इंट्रैक्शन के अंदर रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो इस फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं या चलो तीन लैंग्वेजेस भी हैं, तो इनका एक दूसरे के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, ये एक दूसरे को लैंग्वेजेस किस तरह से अफेक्ट करते हैं, इन दोनों या तीनों लैंग्वेजेस के एक दूसरे पे अफेक्ट की वजह से उनके ग्रामर में क्या चेंजिंग्स आती है, उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल स्पीच से क्या मुराद है, बाइलिंगुअल स्पीच से मुराद है यानी कि सिंपली बाइलिंगुअल्स की स्पीच, ठीक है, यानी कि ऐसी स्पीच जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज के नहीं है बल्कि दो लैंग्वेजेस के। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ, जो बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो एक ही लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, कभी मैं उर्दू बोल रही हूँ, कभी इंग्लिश बोल रही हूँ। तो इसका मतलब है कि ये बाइलिंगुअल स्पीच है, क्योंकि इस स्पीच के अंदर मैं जो बोल रही हूँ, इन बातों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो दो लैंग्वेजेस के हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों के हैं, ठीक है। Bilingual speech can involve code switching where surface level words from two languages are used within a clause. Bilingual speech can also include cases where the underlying structure of a clause is influenced by two languages. Even if only one language surface level words are present, bilingual speech may encompass more than two languages, not limited to just two. ठीक है, यहाँ पर यह बात हुई कि ये जो bilingual speech है इसके अंदर कोड स्विचिंग भी हो सकती है, इसके अंदर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सरफेस लेवल्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, और बाइलिंगुअल स्पीच के अंदर सिर्फ दो ही लैंग्वेज का होना लाजमी या ज़रूरी नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी हो सकते हैं, ये बात की, ठीक है। लेकिन आपको ये बातें आगे जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। कन्वर्जेंस, द चैप्टर फोकसेज ऑन थ्री लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फिनोमेना। मैंने बताया कि जब लैंग्वेजेस की कॉन्टेक्ट होती है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब लैंग्वेज कॉन्टेक्ट होता है तो वहाँ पे थ्री मेन फिनोमेनाज होते हैं, ठीक है, कोड स्विचिंग, कन्वर्जेंस और पिजन या क्रियोल डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें हैं। देखिए, पहला है कोड स्विचिंग, दूसरा है कन्वर्जेंस, तीसरा है पिजन एंड क्रियोल डेवलपमेंट। तो इन तीनों के बारे में हम अलग अलग से और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोड स्विचिंग रिसीव्स मोर अटेंशन ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस इन लिंग्विस्टिक्स स्टडी। इन दोनों में से कोड स्विचिंग जो है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या अटेंशन मिलती है, क्योंकि ये जो है ना लिंग्विस्टिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का क्या मतलब है, लैंग्वेज को चेंज करना। हम उर्दू बोल रहे हैं
बीच में आके इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, या उर्दू के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, या इंग्लिश के अंदर उर्दू के सेंटेंसेस या वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज चेंज को हम कहते हैं कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इसको अटेंशन दी जाती है। पहली बात, द टर्म लैंग्वेज इज़ अ कवर टर्म इंक्लूडिंग बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स। जब हम यहाँ पे लैंग्वेज कहेंगे तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों डायलेक्ट्स, ठीक है। इन सब के लिए ही हमने कवर टर्म लिया है लैंग्वेज, स्पेशली इस चैप्टर को पढ़ते हुए। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डायलेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड सेपरेट लैंग्वेजेस कैन बी चैलेंजिंग एंड म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी इज नॉट द सोल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड सोशियो हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस कैन इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। फजीनेस एक्सिस्ट इन सेपरेटिंग लिंग्विस्टिक वैराइटीज एंड बाउंड्रीज कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू शिफ्ट्स इन लैंग्वेज यूज पैटर्न्स एंड एटीट्यूड्स। यहाँ पे ना स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स की बात की है कि इन दोनों डायलेक्ट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं होते और इन डिफरेंसेस को पॉलिटिकल या फिर सोशियो हिस्टोरिकल कंसिड्रेशन या फिर सोशियो पॉलिटिकल या फिर सोशियो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। फिर इस चैप्टर के अंदर एक सब टॉपिक ऐड किया हुआ है, गाइडलाइंस टू वॉच फॉर। इसमें हमें यह बताया गया है कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट लीड्स टू टू काइंड ऑफ एसिमेट्रीज। जब लैंग्वेज कॉन्टैक्ट होती है ना, दो लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करें, मतलब ये कि एक ही स्पीच के अंदर दो लैंग्वेजेस यूज़ हो रहे हैं या दो लैंग्वेजेस का एक दूसरे पे अफेक्ट हो रहा है, तो तब दो तरह की एसिमेट्रीज पैदा होती है या पाई जाती हैं। एसिमेट्री का मतलब है डिफरेंस होना, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब सेमनेस और एसिमेट्री मतलब सेमनेस का नहीं होना। स्ट्रक्चरल एसिमेट्री एंड एसिमेट्री बिटवीन कॉन्टेंट वर्ड्स और ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। एक काइंड हो गई इसकी स्ट्रक्चरल एसिमेट्री और दूसरी काइंड है एसिमेट्री बिटवीन कॉन्टेंट वर्ड्स या फिर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल एसिमेट्री का ये मतलब है कि नॉट ऑल लैंग्वेजेस इन्वॉल्व्ड इन कॉन्टेक्ट पार्टिसिपेट इक्वली इन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि मैं उर्दू इंग्लिश दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री का मतलब है कि उर्दू और इंग्लिश मैं जो यूज़ कर रही हूँ दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है मेरी लैंग्वेज के अंदर। यानी कि एक लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, दूसरा लैंग्वेज में कम यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एसिमेट्री। उसके बाद एसिमेट्री बिटवीन वर्ड्स, इसका मतलब है कि वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं उनके दरमियान एसिमेट्री होना, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करें या उर्दू के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें, तो इस तरह की एसिमेट्री को हम कहते हैं एसिमेट्री बिटवीन द कॉन्टेंट वर्ड्स। इसमें नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या बाकी चीज़ों के अंदर भी एसिमेट्री आ सकती है, ठीक है। सम टेक्निकल टर्म्स, अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमें चैप्टर में बताया है। सबसे पहले मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ड हैं, बट नॉट ऑल मॉर्फीम्स कैरी मीनिंग, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर मॉर्फीम की जो है ना मीनिंग्स हों, ठीक है। मॉर्फीम्स मीनिंगलेस भी हो सकती हैं। लैंग्वेजेस जो हैं दे वेरी इन देयर वर्ड स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ मॉर्फीम्स इन अ वर्ड। लैंग्वेजेस के अंदर ये बात डिफ्रेंशिएट करती है कि एक वर्ड के अंदर कितने मॉर्फीम्स हैं या फिर मॉर्फीम्स का स्ट्रक्चर क्या है जनरली, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर एक ही मॉर्फीम वाले वर्ड्स होते हैं, जबकि कुछ लैंग्वेजेस के अंदर ज़्यादा या कॉम्प्लेक्स मॉर्फीम वाले वर्ड्स भी होते हैं, तो ये लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंसेस हैं। मॉर्फीम जो है वो फ्री भी हो सकते हैं, बाउंड भी हो सकते हैं, दो तरह के मॉर्फीम्स हैं। फ्री मॉर्फीम्स वो हो गए जो इंडिपेंडेंटली हम यूज़ कर सकते हैं, उनको बगैर किसी के साथ ऐड किए लैंग्वेज या सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। बाउंड मॉर्फीम वो हो गया कि जो बाउंड है, मतलब जो किसी पे डिपेंड कर रहा है, जो अकेले सेंटेंस में अपीयर नहीं हो सकता, लेकिन किसी और के साथ हम उसको बाउंड करेंगे, मिलाएंगे, तब जाके ये अपीयर हो सकता है। अफिक्सेस जो हैं वो भी बाउंड मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। फिर अफिक्सेस के थ्री टाइप्स हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इनफिक्सेस। प्रीफिक्स का मतलब है किसी वर्ड से पहले एलिमेंट को ऐड करना। सफिक्स का मतलब है किसी वर्ड के बाद किसी एलिमेंट को ऐड करना। और इनफिक्स का मतलब है कि उस कंटेंट के अंदर किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है। यानी कि इंसर्टेड इनटू अ कंटेंट एलिमेंट, रेयर इन मोस्ट लैंग्वेज, ये ज़्यादातर लैंग्वेजेस में नहीं होता है, और इंग्लिश में भी इनफिक्सेस नहीं है। इंग्लिश में जो है ना प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है, और इनको मिला के कहा जाता है अफिक्सेस, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ मॉर्फीम्स है। अफिक्सेस कैन बी डेरिव, अब ये जो अफिक्सेस या मॉर्फीम्स हैं ये डेरिवेशनल भी हो सकते हैं। डेरिवेशनल का मतलब ये है कि जो वर्ड की मीनिंग्स को चेंज करती हैं, जैसे कि हम लोग वर्ड के बाद ER या OR लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो वर्ब है वो चेंज होके कोई और, सपोज नाउन या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच बन जाते हैं, तो इस तरह के उनको हम कहते हैं इन डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, ठीक है। सम रिसर्चर यूज़ द डिवीजन बिटवीन ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास, ठीक है। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओपन क्लास और क्लोज क्लास की कैटेगरीज बताते हैं, डिवीजन्स बताते हैं वर्ड्स के लिए, ठीक है। ओपन क्लास वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर और वर्ड्स ऐड हो सकते हैं, सपोज नाउन, ठीक है।
सपोज़ कल को आप में से कोई बहुत बड़ा साइंसदान बनता है, बनके कोई नई चीज़ ईजाद करता है, ठीक है। जब वो नई चीज़ ईजाद करेगा या करेगी तो उस नई चीज़ का नाम नया होगा ना, तो वो नया नाम नाउन्स की कैटेगरी में ऐड होगा। तो ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर नए वर्ड्स ऐड हो सकते हैं उनको हम कहते हैं ओपन क्लास, और ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर नए वर्ड्स ऐड नहीं हो सकते उनको हम कहते हैं क्लोज क्लास, यानी कि अफिक्सेस हैं, ठीक है, या फिर प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस इंग्लिश में जितने हैं उतने हैं, आप जो भी करो नया प्रोनाउन बना नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के कैटेगरीज को हम कहते हैं क्लोज क्लास कैटेगरीज, या क्लोज क्लास वर्ड्स, या क्लोज एंडेड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद द क्लॉज ईदर एन इंटायर सेंटेंस और ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब हमने मॉर्फीम्स की बात की, उसके बाद अब बात करते हैं क्लॉज की, ठीक है, कि क्लॉज जो है वो पूरा सेंटेंस है या फिर सेंटेंस का एक पार्ट है। तो क्लॉज के बारे में इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि क्लॉजेज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं क्लॉजेज। क्लॉजेज के दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट, वो क्लॉज जो अकेला खड़ा हो सकता है, यानी कि इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब ये कि ये बगैर किसी और के साथ ऐड हुए हुए लैंग्वेज के अंदर अपीयर हो सकता है एज अ कम्प्लीट सेंटेंस। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा होता है जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये खुद अकेला किसी सेंटेंस में किसी लैंग्वेज में अपीयर नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हमने किसी और क्लॉज के साथ ऐड करना होता है ताकि ये आगे जाके अपीयर हो सके किसी सेंटेंस में किसी या फिर किसी लैंग्वेज में। क्लॉजेस कंटेन वर्ब्स मार्क्ड फॉर टेंस और एस्पेक्ट। क्लॉजेस के अंदर वर्ब्स होते हैं जो कि टेंस या एस्पेक्ट को शो करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस के कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं क्लॉज के, ठीक है, या एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, या एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उनको ज्वाइन किया हुआ होगा, उनके दरमियान कनेक्शन पैदा की होगी। तो ये जो है ना, इस तरह से सेंटेंस के अंदर अपीयर हो सकते हैं क्लॉजेस। इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि दैट्स वेरी बेसिक चीज़ है, ठीक है, बेसिक लेवल पे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है, बल्कि कॉलेज में भी नहीं स्कूल में पढ़ाई जो जाती हैं वो चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एलिमेंट्स इन सेंटेंस इंक्लूडिंग द हेड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका एक हेड होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर नाउन या वर्ब होता है, फिर उसके एक्सपेंशन होते हैं कि जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं कहूँ कि चलो किसी भी ड्रेस के बारे में हम चलो बात करते हैं कि द ड्रेस आई ब्रॉट फ्रॉम मार्केट इज़ कोई सा भी ब्लैक इन कलर, तो यहाँ पर जो ड्रेस है ना वो क्या है, मेन एलिमेंट है, क्योंकि इसी बारे में बात हो रही है और आगे जो बातें होंगी वो उसकी एक्सपेंशंस हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटेंस के अंदर आते हैं। सिंगल वर्ड्स लाइक नाउन्स वर्ब्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन देयर ओन। वर्ब्स या नाउन जो होते हैं वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड्स। लेकिन सिंटैक्टिक यूनिट्स आर एम्बेडेड इन लार्जर सिंटैक्टिक यूनिट्स इन सेंटेंस। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी लार्जर यूनिट के अंदर हम उनको ऐड करते हैं, जैसे कि मॉर्फीम है, मॉर्फीम को हम बाउंड मॉर्फीम को किसी और के साथ ऐड करते हैं ना, तो इसी तरह एम्बेड हो जाना मतलब किसी और के साथ किसी और चीज़ के अंदर ऐड हो जाना। तो किसी और चीज़ के अंदर ऐड हो जाके इनडायरेक्टली भी सेंटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन सकते हैं। एक डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे और एक वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो एम्बेडेड हैं, यानी कि इनडायरेक्टली किसी और वर्ड के साथ ऐड होके आ गए हैं, ठीक है। सपोज आप फंक्शन में किसी को बुलाते हैं, ठीक है, तो जो अकेले आएंगे उनको हम कहेंगे सिंगल वर्ड्स, जो अपने साथ किसी और को भी लेके आएंगे, किसी और को खुद के साथ एम्बेड करके लेके आएंगे, उनको हम कहेंगे सिंटैक्टिक यूनिट्स या एम्बेडेड इन लार्जर सिंटैक्टिक यूनिट्स, ठीक है। तो जो खुद अकेले के लिए आए हैं ना, जिनको आपने इनवाइट किया था, वो आपके डायरेक्ट मेहमान होंगे, जो किसी और के साथ आए हैं वो आपके इनडायरेक्ट मेहमान होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ सिंगल वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन जो किसी वर्ड के साथ ऐड होके आए हैं वो फिर इनडायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, वो सिर्फ समझने के लिए हमने कहा है, उनको हम कहेंगे सिंटैक्टिक यूनिट्स विच आर एम्बेडेड इन अदर यूनिट्स, ठीक है। द मटेरियल इन दिस चैप्टर कवर्स एसेंशियल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मॉर्फीम सेंटेंस एंड क्लॉज। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर मॉर्फीम सिंटैक्स और क्लॉज की बात होगी या हमने अभी कर भी ली, ठीक है। अब बात करते हैं कोड स्विचिंग की। मैंने पहले बताया था कि कोड स्विचिंग को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली हुई है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। कोड स्विचिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टू लैंग्वेज वैराइटीज़ इन द सेम कन्वर्जेशन। एक ही कन्वर्जेशन के अंदर दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के यूज़ करने को हम कहते हैं कोड स्विचिंग। इट कैन बी इंटरसेंटेंशियल बिटवीन सेंटेंसेज और इंट्रासेंटेंशियल। ये जो है ना कोड स्विचिंग के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक इंटरसेंटेंशियल कोड स्विचिंग और दूसरा इंट्रासेंटेंशियल कोड स्विचिंग। इंटरसेंटेंशियल का मतलब बिटवीन सेंटेंसेज, सपोज
मैं कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के बोल रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस उर्दू के बोल रही हूँ, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेंटेंशियल कोड स्विचिंग। लेकिन सेंटेंस के अंदर ही जो कोड स्विचिंग होती है उसको हम कहते हैं इंट्रासेंशियल सेंटेंशियल, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ गए, कुछ वर्ड्स उर्दू के आ गए। जैसे कि मैं ज़्यादातर वीडियो शुरू करते हुए कहती हूँ कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दिस थिंग, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तक उर्दू है, ठीक है, अबाउट से आगे इंग्लिश है, तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो लैंग्वेजेस यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको कहते हैं इंट्रा सेंटेंशियल। नहीं, अगर कुछ सेंटेंसेस उर्दू के कुछ इंग्लिश के होंगे तो हम उसको कहते हैं इंटर सेंटेंशियल। तो आप इस बात से याद रखिए कि मैं अपना हमेशा वीडियो की जो मैं स्टार्टिंग करती हूँ उसको मैं एक इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग से करती हूँ कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दिस चैप्टर टेकन फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। The focus in this chapter is on code switching within the same clause, showing example of inter-clause and intra-clause switching. इस चैप्टर के अंदर ऐसी कोड स्विचिंग के बारे में बात होगी जो कि सेम क्लॉज के अंदर है, यानी कि सेम सेंटेंस के अंदर है, ठीक है। अब कोड स्विचिंग जो है वो क्लासिक कोड स्विचिंग होती है। एक क्लासिक कोड स्विचिंग का ये मतलब है कि when elements from two languages are used in the same clause but the grammatical structure is controlled by one language, known as morphosyntactic frame, यानी कि क्लासिकल कोड स्विचिंग ऐसी कोड स्विचिंग होती है जिसमें हम एक ही क्लॉज के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों लैंग्वेजेस से डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट वर्ड्स ऐड तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक लैंग्वेज कंट्रोल कर रही है। यानी कि अपने हम सेंटेंस के अंदर उर्दू भी यूज़ करें, उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ करें लेकिन और इंग्लिश के भी वर्ड यूज़ करें, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो उर्दू वाला स्ट्रक्चर है, तो हम उसको कहेंगे क्लासिकल कोड स्विचिंग, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले कुछ देर पहले जो एग्जांपल दी थी वो भी क्लासिकल कोड स्विचिंग है, क्योंकि उसके अंदर देखिए ना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उर्दू वाला है लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ वर्ड्स इंग्लिश वाले हैं, तो उसका जो है ना मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दी उसमें उर्दू लैंग्वेज कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम का ये मतलब है कि उस सेंटेंस के अंदर मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स जो है उसका क्या फ्रेम है, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स किस तरह से यूज़ हो रही है। तो जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस कोड स्विचिंग के अंदर जो है ना मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, मतलब ये कि वही लैंग्वेज है जो उस पूरे सेंटेंस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसके मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम को कंट्रोल कर रही है। क्लासिकल कोड स्विचिंग इंक्लूड्स बोथ सिंगली अकरिंग वर्ड्स एंड फुल फ्रेजेस। क्लासिकल कोड स्विचिंग जो होती है उसमें सिंगल वर्ड्स भी हो सकती है या फिर फुल फ्रेजेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दिस थिंग, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यह क्या है, फुल फ्रेजेस हैं। तो इस तरह से भी कोड स्विचिंग हो सकती है कि हम दो लैंग्वेजेस यूज़ करें तो एक लैंग्वेज का फुल फ्रेज यूज़ करें फिर दूसरी लैंग्वेज का फुल फ्रेज यूज़ करें, लेकिन फिर सिंगल वर्ड्स की भी कोड स्विचिंग हो सकती है। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में बोल के बीच में ना कुछ कुछ वर्ड्स हम अगर इंग्लिश के डालेंगे तो इस तरह से भी कोड स्विचिंग हो सकती है। तो दोनों ही तरह से जो कोड स्विचिंग होगी उसको हम कहेंगे क्लासिकल कोड स्विचिंग, ठीक है। लेकिन फिर वही बात के वो जो पूरा सेट होता है या जो पूरा फ्रेम या पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो उनमें से एक ही लैंग्वेज का होता है कि जो आप ज़्यादा यूज़ करें। द यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर कोड स्विचिंग इज क्लॉज, बिकॉज देखिए किसी भी चीज़ को हम मेयर करते हैं ना तो उसको यूनिट में करते हैं, तो अगर हमने ये देखना हो कि हम कोड स्विचिंग कितनी करें या किस तरह से करें तो हम उसके लिए क्या यूनिट रखेंगे, क्लॉज। हम देखेंगे कि क्लॉज कौन से वर्ड से ज़्यादा आ रहे हैं या क्लॉज का स्ट्रक्चर किसने कंट्रोल किया हुआ है, तो क्लॉज जो है वो कोड स्विचिंग का यूनिट है। MLF model. The MLF model highlights importance of asymmetry and differences between morpheme types in characterizing bilingual speech. Speakers engaging in classical code switching must be proficient enough in the language that structures the class to follow its well-formedness constraints. When यानी कि देखिए अभी हमने पहले कोड स्विचिंग की बात की, ठीक है, कोड स्विचिंग की दो टाइप्स है, ठीक है, एक कोड स्विचिंग हो गई क्लासिकल कोड स्विचिंग जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरी जो टाइप है कोड स्विचिंग की उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन बीच में हमने MLF मॉडल को पढ़ा। क्यों? क्योंकि MLF मॉडल जो है वो क्या करती है, क्लासिकल कोड स्विचिंग को समझने के लिए एक मॉडल है। तो एक इस तरह से अपने जहन में एक ट्री डायग्राम बनाएं, एक फ्लो चार्ट बनाएं कि सबसे पहले कोड स्विचिंग है, कोड स्विचिंग के एक तरफ क्लासिकल कोड स्विचिंग है, दूसरी तरफ जो हम आगे पढ़ेंगे, हम फिलहाल क्लासिकल कोड स्विचिंग वाले साइड पे हैं और क्लासिकल कोड स्विचिंग को समझने के लिए हम मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहला मॉडल है MLF मॉडल। MLF मॉडल जो है वो किस बारे में हमें बताता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री यानी कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्फीम टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या एसिमेट्री है किसी भी बायलिंगुअल स्पीच के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस हमें बताता है कौन सा मॉडल, MLF मॉडल।
ऐसे स्पीकर जो कि कोई क्लासिकल कोड स्विचिंग कर रहे हो, ये लाजमी है उनके लिए कि वो जो है ना उन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स और क्लॉजेस के अंदर प्रोफिशिएंट हो। जब वो बंदा दोनों लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर उनके जो है ना दोनों लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर को समझ सकता है, उनमें प्रोफिशिएंट है, तो तब उसकी जो कोड स्विचिंग होगी वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है, सपोज़ आप जो है ना एक ऐसा बंदा है, चलो मैं ही हूँ जो कि इंग्लिश उर्दू दोनों में चलो सपोज़ प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, तो मैं बीच में उर्दू बोल रही हूँ, जहाँ से आगे मुझे नहीं आ रहा है, जहाँ से आगे मैं उर्दू कंटिन्यू नहीं कर सकती वहाँ इंग्लिश बोल रही हूँ, फिर जहाँ मैं इंग्लिश में अटक जाऊँ वहाँ उर्दू बोल रही हूँ। तो इस तरह से अगर मैं कोड स्विचिंग करूँ तो सामने वाले बंदे को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, क्योंकि तब मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। लेकिन वो बंदा जो प्रोफिशिएंट है वो ईजिली अच्छी तरह से कोड स्विचिंग कर सकता है, और ऐसी कोड स्विचिंग कर सकता है कि जिससे सामने वाले बंदे को उसकी गुफ्तगू, उसकी कन्वर्जेशन या उस वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो समझ आ जाए। ठीक है, क्लासिकल कोड स्विचिंग अकर्स बिटवीन लैंग्वेजेस दैट आर नॉट म्यूचुअली इंटेलिजिबल। म्यूचुअली इंटेलिजिबल से मुराद है ऐसे लैंग्वेजेस जो कि आप बहुत ज़्यादा आपस में करीब हैं, या फिर जिनको हम लोग एक ही कंसीडर कर सकते हैं। सपोज एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश है, ये दोनों म्यूचुअली इंटेलिजिबल हैं क्योंकि बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, ईजिली हम एक दूसरे के साथ इनके अंदर कोड स्विचिंग ईजिली बहुत आसानी से बगैर एफर्ट के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लैंग्वेज को कहते हैं म्यूचुअली इंटेलिजिबल। क्लासिक कोड स्विचिंग ऐसी लैंग्वेजेस के दरमियान होती है कि जो म्यूचुअली इंटेलिजिबल हैं, यानी कि उर्दू है म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं है, उर्दू इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हम कोड स्विचिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर अगर मैं कोड स्विचिंग करूँ तो कोई तुक बनेगा, कोई सेंस बनेगा? नहीं, क्योंकि वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, तो कोड स्विचिंग क्लासिकल दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर होती है। कंपोजिट अब दूसरी टाइप अभी आ गई, ठीक है, जिसको हमने कहा था कंपोजिट कोड स्विचिंग। दूसरे टाइप पे आ जाएं कि कोड स्विचिंग की जो सेकंड टाइप है वो है कंपोजिट कोड स्विचिंग। पहली कौन सी टाइप थी? क्लासिकल कोड स्विचिंग। ओके, तो कंपोजिट कोड स्विचिंग इज़ अ लेस फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब टाइप ऑफ स्विचिंग। कोड स्विचिंग के अंदर ना इसको थोड़ा सा लेस फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब किया जाता है, ज़्यादातर क्लासिकल कोड स्विचिंग को ही डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन फिर भी कंपोजिट कोड स्विचिंग को हम पढ़ते हैं। बेचारे सब लोग भी इसको कम अटेंशन देते तो हम भी क्यों अटेंशन दें, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट कोड स्विचिंग एक ऐसी कोड स्विचिंग होती है वेयर मोस्ट ऑफ द मॉर्फोसिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम वन लैंग्वेज बट द अदर लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स सम एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर अंडरलाइंग सरफेस फॉर्म्स इन द क्लॉज। यानी कि यहाँ पे लैंग्वेजेस दो यूज हो रही हैं, उनमें से एक लैंग्वेज जो है वो मॉर्फोसिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है वो क्या कर रही है? एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर दे रही है, एक अंडरलाइंग फॉर्म हमें दे रही है। यानी कि पहले क्लासिक कोड स्विचिंग में क्या था, एक का मतलब पूरा ही उसका स्ट्रक्चर एक ही लैंग्वेज कंट्रोल करती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक लैंग्वेज कंट्रोल तो करती है लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे या एक अंडरलाइंग लेवल पे दूसरी लैंग्वेज भी उसके फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही होती है। यानी कि दोनों लैंग्वेजेस की कंट्रीब्यूशन होती है कि जो ओवरऑल स्पीच है उसके फॉर्म को कंट्रोल करें। एक का कंट्रोल जो है वो अपेरेंट होता है और दूसरे का कंट्रोल एब्स्ट्रैक्ट तरह से या अंडरलाइंग फॉर्म्स में होता है। ठीक है, इन कंपोजिट कोड स्विचिंग द अदर लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज है यानी कि जिसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया या जो मॉर्फोसिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करिए, मे इन्फ्लुएंस द सर्फेस ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू हैव एब्स्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंसेस बिलो द सर्फेस। यहाँ पे ना जो एक वो लैंग्वेज होगी जो मॉर्फोसिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करिए, ये जो दूसरी लैंग्वेज है ना ये भी कंट्रोल कर रही है लेकिन बिलो द सर्फेस, थोड़ा सा ना छुप के थोड़ा सा खामोश रह के उसको कंट्रोल करिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो खामोश बैठ के हर चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, चुपचाप बैठ के बगैर ज़्यादा बोले बड़े चालाक और बड़े कंट्रोलिंग होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ये जो दूसरी लैंग्वेज है ये जो है ना एम्बेडेड लैंग्वेज इसको कहते हैं। ठीक है, जिस लैंग्वेज को हमने किसी लैंग्वेज के अंदर ऐड किया है, तो ये एम्बेडेड लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर ना बड़ी चालाकी है, ठीक है ये चुपचाप रहती है लेकिन ना पीछे से सरफेस लेवल पे बगैर दिखाए बगैर शो किए उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कंपोजिट कोड स्विचिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ कोड स्विचिंग एंड कन्वर्जेंस। कंपोजिट कोड स्विचिंग के अंदर कोड स्विचिंग और कन्वर्जेंस की एक कम्बिनेशन है। कन्वर्जेंस किसे कहते हैं ये आपको आगे आके समझ आ जाएगी। ठीक है, द चॉइस ऑफ यूजिंग क्लासिक कोड स्विचिंग और कंपोजिट कोड स्विचिंग मे बी इन्फ्लुएंस बाई सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। या हम क्लासिक कोड स्विचिंग करेंगे या कंपोजिट कोड स्विचिंग करेंगे, लेकिन इन दोनों में से हम कौन सी कोड स्विचिंग करेंगे किस बात पे डिपेंड करेगी? सोशल फैक्टर्स पे या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब यूनिफॉर्म प्रिंसिपल मॉडल या फिर यूनिफॉर्म प्रिंसिपल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रिंसिपल USP, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रिंसिपल इज़ द अल्टीमेट बैकड्रॉप ऑफ MLF। अभी हमने कुछ देर पहले हमने जो MLF को स्टडी किया था ना, MLF का मतलब है मैट्रिक्स लैंग्वेज फ्रेम। ठीक है, मैट्रिक्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि
स्पीच के फ्रेम को कंट्रोल करिए। और एम्बेडेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो क्या है, खामोश है, या खामोश होकर चुपचाप है, या खामोश होकर कंट्रोल करिए। तो जो लैंग्वेज ज़्यादा हमारी लैंग्वेज में अपेरेंट होगी, जो कंट्रोलिंग लैंग्वेज है, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स लैंग्वेज। उसके अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करें उसको कहेंगे एम्बेडेड लैंग्वेज। सपोज अभी मैं कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, उर्दू। कौन सी लैंग्वेज है, मैट्रिक्स लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश को मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इंग्लिश हो गई एम्बेडेड लैंग्वेज। ठीक है, आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रिंसिपल जो है वो क्या है, अल्टीमेट बैकड्रॉप ऑफ MLF मॉडल अप्लाइंग यूनिवर्सली टू मोनोलिंगुअल एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। USP यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रिंसिपल जो है वो मोनोलिंगुअल्स या बाइलिंगुअल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। द प्रिंसिपल स्टेट दिस, अब ये प्रिंसिपल क्या कहती है, A given constituent type in any language has a uniform abstract structure, and the preferred option in bilingual speech is to use structure from matrix language. However, some embedded language structures are allowed if the matrix language clause structure is observed. ठीक है, यह प्रिंसिपल हमें बहुत ही ईजी बात बताती है, सिंपल सी बात बताती है, और उस सिंपल सी बात को ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में बताती है, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सी बात हमें USP यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ये बताती है कि जब bilingual की जो स्पीच होती है, तो वो bilingual जब बोल रहा है या स्पीच कर रहा है, तो उसकी स्पीच के अंदर मैट्रिक्स लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स ज़्यादा यूज़ होंगे। क्या यह तो हमें पहले से पता, क्योंकि हमने पहले ये बात डिस्कस की है, लेकिन इसने थोड़ी सी तरतीब से बताई है, तो हमें इसको एक प्रिंसिपल के तौर पे कबूल करना होगा। लेकिन बात सिंपल है, यानी कि जब bilingual स्पीच कर रहा है, या फिर वो वाली स्पीच नहीं जो स्टेज पर चढ़ के करते हैं, ठीक है, bilingual स्पीच यानी कि जो कन्वर्जेशन कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके अंदर जो है ना मैट्रिक्स लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ होगा। लेकिन एम्बेडेड लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो कभी कभी यूज़ होगा या फिर बहुत कम यूज़ होगा, कहा है। ठीक है, किसने कहा है, USP ने कहा है, सिंपल बात है। ठीक है, आप इसको याद रख लें। उसके बाद MLF मॉडल है 3 मेन प्रीमाइजेस। हमने जो MLF मैट्रिक्स लैंग्वेज फ्रेम मॉडल की जो पहले बात की थी, उसके जो है ना 3 मेन प्रीमाइजेस हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स लैंग्वेज एंड द एम्बेडेड लैंग्वेज डो नॉट पार्टिसिपेट इक्वली इन कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। इसने भी बहुत सिंपल बातें बताई हैं। पहली बात यह बताइए कि मैट्रिक्स और एम्बेडेड इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या तो हमें भी पता है, क्योंकि मैं अभी उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश कम यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात है, नॉट ऑल मॉर्फीम टाइप्स आर इक्वल, सम टाइप्स कैन कम फ्रॉम ओनली फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और एम्बेडेड लैंग्वेज। यानी कि बाइलिंगुअल स्पीच के अंदर जो मॉर्फीम्स हैं वो सारे इक्वल नहीं हो सकते, कुछ मॉर्फीम्स मैट्रिक्स लैंग्वेज से आते हैं, जबकि कुछ मॉर्फीम्स एम्बेडेड लैंग्वेज से आते हैं, ये कहा। तीसरी बात इसने ये बताई कि बोथ लैंग्वेजेस आर ऑलवेज ऑन व्हेन अ स्पीकर एंगेजेस इन कोड स्विचिंग, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस ऑन होते हैं। मतलब ये समझे कि अब मैं बोल रही हूँ ना, मेरी bilingual स्पीच है, क्योंकि मैं उर्दू इंग्लिश दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो इस टाइम मेरे दिमाग के अंदर जो उर्दू और इंग्लिश दोनों के बटन्स हैं ना, दोनों ऑन हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, दोनों बटन ऑन होंगे तभी दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे। तो इसने हमें तीसरी बात ये बताई कि जब एक bilingual स्पीच हो रही है या फिर कोड स्विचिंग हो रही है, तो तब दोनों ही लैंग्वेजेस उस स्पीकर के जहन के अंदर ऑन होते हैं, यानी कि दोनों ही उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स लैंग्वेज, मैट्रिक्स लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत ईजी है। जो लैंग्वेज जो बंदा ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना, या जिस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में बोल रहा है, वाइल कोड स्विचिंग लैंग्वेजेस दो यूज़ करें, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा अपेरेंट लैंग्वेज है या जिस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में बोल रहा है, वो मैट्रिक्स लैंग्वेज होगी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं उर्दू में ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मेरी कौन सी मैट्रिक्स लैंग्वेज, उर्दू, सिंपल बात है। द MLF मॉडल आइडेंटिफाइज द मैट्रिक्स लैंग्वेज इज लैंग्वेज दैट सप्लाइज द मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम। MLF मॉडल हमें ये बताती है कि मैट्रिक्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जिसका मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम bilingual अपनी स्पीच के अंदर यूज़ कर रहा होगा, ये भी हमें पता था पहले से। ठीक है, द एम्बेडेड लैंग्वेज इज द अदर लैंग्वेज, ये हमें ये बताता है कि एम्बेडेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो कि बहुत अपेरेंट नहीं है, बहुत डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, या फिर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करिए, यानी कि कौन से प्रिंसिपल को, मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम को कंट्रोल करने वाली प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करिए, ये भी हमें पहले से पता था। द प्रिंसिपल्स अप्लाई टू मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेयर मेनी विच मे कंसिस्ट ऑफ एन इंटायर क्लॉज और स्मॉल। ये जो प्रिंसिपल है ना MLF का या USP, ये दोनों प्रिंसिपल्स, इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम तब यूज़ करेंगे जब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि हम तब यूज़ करेंगे जब हम अपनी स्पीच के अंदर उर्दू इंग्लिश दोनों के वर्ड्स यूज़ करें, ये भी हमें पता था। द टू प्रिंसिपल्स आर टेस्टेबल हाइपोथेसिस, ये दोनों प्रिंसिपल्स जैसे हाइपोथेसिस हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने टेस्ट किया ना, अभी मैंने अपनी स्पीच की एग्जांपल दी, फिर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स और एम्बेडेड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, फिर हमने ये पता लगाया कि हमारी मैट्रिक्स लैंग्वेज उर्दू है, एम्बेडेड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये दोनों टेस्टेबल हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, प्रूफ भी हो सकते हैं, डिसअप्रूफ भी हो सकते हैं, डिसप्रूफ भी हो सकते हैं। अभी हमने अप्लाई किया तो हमने
प्रूफ किया कि मेरी मैट्रिक्स लैंग्वेज उर्दू है, तो ये टेस्टेबल है, ठीक है, बहुत इजी और सिंपल सी बात है। मॉर्फीम ऑर्डर प्रिंसिपल एक और प्रिंसिपल है जो हमें एम्बेडेड या मैट्रिक्स लैंग्वेज के बारे में बताती है, जिसको हम कहते हैं मॉर्फीम ऑर्डर प्रिंसिपल। मॉर्फीम ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहती है कि ऐसी स्पीच जिसके अंदर मिक्सड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ऐसी स्पीच जिसके अंदर उर्दू इंग्लिश दोनों के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि एनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स लैंग्वेज मॉर्फीम सरफेस वर्ड ऑर्डर विल बी दैट ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ये कहता है ना कि इसके अंदर जब हम बाइलिंगुअल स्पीच के अंदर या फिर कोड स्विचिंग के अंदर हम जो मॉर्फीम्स यूज़ करेंगे ना, ये कहता है कि उन मॉर्फीम्स का ऑर्डर कहाँ से आएगा, मैट्रिक्स लैंग्वेज से आएगा। मॉर्फीम ऑर्डर प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि अगर हम कोड स्विचिंग करें, एक हमारी मैट्रिक्स लैंग्वेज है एक एम्बेडेड लैंग्वेज है, तो हमारे मॉर्फीम्स का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स लैंग्वेज वाला ऑर्डर होगा, क्योंकि वही हमारी स्पीच के अंदर डोमिनेंट है। ये भी हमें पता थी, बात सिंपल सी बात थी, ठीक है। सिस्टम मॉर्फीम प्रिंसिपल एक और प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सारे जो है ना, इनका आप नाम याद करें, बाकी ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बताती हैं जो हमने पहले ही डिस्क्राइब की हैं, ठीक है। अगर आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं ना, नाम याद करें, अंदर आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दें, लेकिन यहीं लिख दें, लेकिन ये कि जो आपने लिखने जाना है वो बहुत ईजी है, ठीक है। इन मैट्रिक्स लैंग्वेज प्लस एम्बेडेड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल सिस्टम मॉर्फीम्स दैट हैव ग्रामेटिकल रिलेशंस एक्सटर्नल टू देयर हेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल कम फ्रॉम द मैट्रिक्स लैंग्वेज। ये भी यहीं कहती है कि मॉर्फीम्स जो है वो किस लैंग्वेज से आएंगे, मैट्रिक्स लैंग्वेज से आएंगे। पता था हमें, वर्डिंग डिफिकल्ट है, सेंस सिंपल है। सिस्टम मॉर्फीम्स आर दोज दैट पार्टिसिपेट इन सेंटेंस थीमेटिक रोल ग्रिड प्रोवाइडिंग ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन सच एज टेंस एस्पेक्ट केस। अब यहाँ पे मॉर्फीम की एक और टाइप हमें इंट्रोड्यूस करा दी इस प्रिंसिपल ने माशाल्लाह से, वो है सिस्टम मॉर्फीम। ये कहते हैं कि सिस्टम मॉर्फीम्स जो हैं वो ऐसे मॉर्फीम्स हैं जो कि बाइलिंगुअल स्पीच के अंदर थीमेटिक हैं, यानी कि जो हमें थीम्स बताते हैं, जैसे कि टेंस एस्पेक्ट या केस। तो ऐसे मॉर्फीम जो हमें इन टेंस एस्पेक्ट या केस के बारे में बताएंगे, उन मॉर्फीम्स को हम कहेंगे सिस्टम मॉर्फीम किसी भी बाइलिंगुअल की स्पीच में, ठीक है, वैसे ही नहीं। द 4M मॉडल विच रेफर्स टू मॉर्फीम टाइप, आगे 4M मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 4M मॉडल को यहाँ पर स्किप करो, आगे इसको डिटेल में हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस वही बात है सिंपल सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MLF मॉडल, MLF मॉडल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ, सबसे पहले एसिमेट्रीज। इसमें जो है ना दो एसिमेट्रीज की बात की है, एक लैंग्वेज वन लैंग्वेज मैट्रिक्स लैंग्वेज सप्लाइज द मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम ऑफ द बाइलिंगुअल क्लॉज एंड ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉर्फीम्स कम फ्रॉम द मैट्रिक्स लैंग्वेज। एसिमेट्रीज में ये बात है ना कि MLF मॉडल जो है वो हमें ये बताती है कि जो मैट्रिक्स लैंग्वेज है वो क्या करती है, मॉर्फोसिंटैक्टिक फ्रेम को सप्लाई करती है या कंट्रोल करती है, और फिर कुछ ही सिस्टम मॉर्फीम्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, मैट्रिक्स लैंग्वेज से आएंगे। ये भी सिंपल बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। इंट्रा क्लॉजल स्विचिंग, क्लॉज का मतलब है वही जो मैंने हमने भी पहले डिस्कस की, इंट्रा क्लॉजल का मतलब है क्लॉज के अंदर की, ठीक है। इंट्रा क्लॉजल मतलब क्लॉज के अंदर की ही स्विचिंग, जिसका मतलब है क्लॉजेस के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो एक ही क्लॉज के अंदर के वर्ड्स को हम स्विच करेंगे, एक ही क्लॉज के अंदर के वर्ड्स को जब हम चेंज करेंगे, कभी उर्दू का वर्ड कभी इंग्लिश का वर्ड एक ही सेंटेंस में, तो हम उसका कहेंगे इंट्रा क्लॉजल स्विचिंग। यह भी MLF की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंट्रा क्लॉजल स्विचिंग के बारे में हमें बताती है, ठीक है। उसके बाद क्लासिक कोड स्विचिंग, इस MLF मॉडल की एक यह कैरेक्टरिस्टिक है कि यह हमें क्लासिक कोड स्विचिंग के बारे में बताती है। यह भी हमने पहले डिस्कस किया है, नॉन म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, इसके बारे में भी हमने बात की कि ऐसे लैंग्वेजेस जिनके आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है, या वो एक ही लैंग्वेज के डायलेक्ट्स नहीं है, तो वो कौन से लैंग्वेजेस होंगे, या उनके आपस में क्या होगा, नॉन म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, यानी कि उनको आपस में हम म्यूचुअली एक ही लैंग्वेज को कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी हमने आइडिया पहले डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये ऐसा मॉडल है कि जो हमें क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है। हमने पहले कहा ना कि एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर को भी एम्बेडेड लैंग्वेज कंट्रोल करती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल के बारे में हमें बताता है। और यह लैंग्वेज हमें ये भी बताता है, ये मॉडल हमें ये भी बताता है कि दोनों लैंग्वेजेस ऑन होते हैं। अगर मैं उर्दू इंग्लिश बोलूँ तो मेरे जहन में दोनों ही लैंग्वेजेस ऑन है, दोनों एक्टिव है, दोनों के बटन्स ऑन हैं, ठीक है। ये सारी बातें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं, मतलब ये कि थोड़ा सा ऑर्डर करके थोड़ी सी तरतीबें करने के लिए ऐसा किया हुआ है। ओहो, सिंगली अकरिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि बेचारे सिंगल हैं, ठीक है, जो कि बेचारे सिंगली अकर हो रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन सिंगल तरह से आ रहे हैं, बहुत बेचारे वर्ड्स, ठीक है। तो सिंगली अकरिंग एम्बेडेड लैंग्वेज वर्ड्स आर कॉन्ट्रोवर्शली कंसीडर्ड इधर बॉरोविंग्स और कॉड स्विचिंग। देखें, अब मैं उर्दू बोल रही हूँ लेकिन इसके अंदर
इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगल होके आ रहे हैं, यानी कि सिंगल या फिर एक एक करके मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो एक वर्ड है, एक यूज़ है, दोनों इंग्लिश के हैं, तो मतलब मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गई। मतलब ये कि कोड स्विचिंग के अंदर पूरा सेंटेंस, पूरा क्लॉज या पूरा फ्रेज किसी और लैंग्वेज का नहीं आना, बल्कि सिंगल सिंगल वर्ड्स का दूसरे सेंटेंस से आना। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए कि सवाल ही इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन और इंटरव्यू का वर्ड आ रहा है, तो ये सिंगली अकरिंग वर्ड हो गया। तो सिंगली अकरिंग वर्ड्स जो है ना, वो बाज़ दफ़ा बोरोविंग्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कोड स्विचेस होते हैं। ठीक है, बोरोविंग्स तब होंगे जब वो वर्ड्स मैट्रिक्स लैंग्वेज का हिस्सा बन चुके हैं, कोड स्विचेस तब होंगे जब वो जो है ना हमारी मैट्रिक्स लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बन गई है। ठीक है, अभी मैं उर्दू बोल रही हूँ, ठीक है, उर्दू बोलते हुए मैं दरमियान में एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ। कौन सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ? चलो यूज़। ठीक है, यूज़ के लिए उर्दू में वर्ड है ना, इस्तेमाल है, हाँ है, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल का यूज़ नहीं करके किस वर्ड का यूज़ कर रही हूँ? यूज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कि ये बोरोविंग नहीं है बल्कि सिंपल कोड स्विचिंग है, यानी कि क्या यूज़ उर्दू का हिस्सा बन चुकी है? यूज़ जो वर्ड है वो उर्दू के लैंग्वेज का हिस्सा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये बोरोविंग है। लेकिन बाज़ दफ़ा सिंगल वर्ड्स कोड स्विचिंग में भी आ सकते हैं, जैसे कि चलें क्या एग्जांपल ले लें हम, ऐसा वर्ड जो इंग्लिश का है लेकिन वो उर्दू का हिस्सा बन चुका है, ऐसा वर्ड चले मोबाइल ही है। ठीक है, मोबाइल क्या है? इंग्लिश का वर्ड है लेकिन ये उर्दू का हिस्सा बन चुकी है, उर्दू के अंदर भी हम मोबाइल ही बोलते हैं, मोबाइल के लिए उर्दू में कोई और वर्ड नहीं है, मतलब ये कि ये बोरोविंग है। तो सिंगली आने वाले वर्ड्स, जो सिंगल वर्ड्स आ रहे हैं, वो बोरोविंग्स भी हो सकते हैं, कोड स्विचिंग भी हो सकते हैं, इसको एग्जांपल्स के ज़रिए आप बताएंगे। ठीक है, आई बात समझ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कंक्लूजन्स ऑन सिंगली अकरिंग वर्ड्स, सिंगली अकरिंग वर्ड्स के बारे में कंक्लूजन्स हैं यहाँ पे, हमने जो अभी बात की उसी को कंक्लूड किया जा रहा है कि सिंगली जो अकरिंग वर्ड्स हैं या वो बोरोविंग्स हो सकते हैं या कोड स्विचिंग हो सकते हैं। बोरोविंग तब होंगे वो उस लैंग्वेज का हिस्सा बन गए हैं, कोड स्विचिंग तब होगी जब हिस्सा नहीं बन गए हैं बल्कि स्पीकर जो है वो वैसे ही कोड स्विच कर रहा है। तो वहीं कैरेक्टराइजिंग लार्जर एम्बेडेड लैंग्वेज फ्रेज इन मैट्रिक्स लैंग्वेज फ्रेम, लार्जर फ्रेजेस का आ जाना। अभी हमने पहले ये बात की ना कि अकेले अकेले वर्ड्स आ रहे हैं सिंगल, लेकिन अभी हम ये बात करेंगे कि लार्जर फ्रेजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स। एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स से क्या मुराद है? दे आर द फ्रेजेस विद इन बाइलिंगुअल क्लॉज दैट फॉलो द वेल फॉर्मनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बेडेड लैंग्वेज। ऐसे फ्रेजेस जो कि हम बाइलिंगुअल अपनी स्पीच के अंदर, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर लेके आ रहा है, और वो जो है ना वेल फॉर्म है और वो एम्बेडेड लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। यानी कि सिंपल सिंपल तरह से, सिंपल वर्ड्स में आप समझें तो ये है कि एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक ग्रुप की शक्ल में मैट्रिक्स लैंग्वेज के अंदर आ रहे हैं या मैट्रिक्स लैंग्वेज के अंदर अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से, मतलब यहाँ पे डिफरेंस या फिर यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये सिंगल वर्ड्स नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, एक क्लस्टर की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं, इसीलिए इनको आइलैंड कहा है। ठीक है, एम्बेडेड लैंग्वेज के अंदर से आइलैंड्स आ रहे हैं, मतलब एम्बेडेड लैंग्वेज के अंदर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं। दे शो हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स वेयर सम वर्ड्स डिपेंड ऑन अदर्स विद इन द आइलैंड। एक ही आइलैंड के अंदर, मतलब एक ही फ्रेज के अंदर कुछ वर्ड्स दूसरे पर डिपेंड करते हैं या उनके अंदर डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स आर ऑफन कोलोकेशंस और इवन idioms। ये कोलोकेशंस होंगे, यानी कि ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक के बगैर दूसरा नहीं आ सकते। ठीक है, अगर हम इंग्लिश के अंदर नॉर करेंगे ना, नॉट दिस नॉट देट करते हैं, तो वो दोनों कोलोकेशंस है, यानी कि वो एक के बगैर दूसरा आ ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगी या मैं भी नहीं आऊँगा, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर कि जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बेचारे एक जिस्म दो जान वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, या idioms हो सकते हैं, क्योंकि idioms ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो आप idiom के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करेंगे नहीं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करें। अगर आप idiom के अंदर से वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करेंगे तो वो वहाँ पे बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो आपने उन दोनों को जुदा नहीं करना है। मतलब ये कि एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स की एग्जाम्पल ये है कि या वो कोलोकेशंस होंगे या वो idioms होंगे। ठीक है, दीज आइलैंड्स आर टिपिकली adjuncts adding टू द मेन एलिमेंट ऑफ द क्लॉज। ये फ्रेजेस हैं ना, तो ये डेफिनेटली किसी मेन क्लॉज का हिस्सा होंगे। तो ये जो आइलैंड्स है, एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स है, वो किसी मेन क्लॉज का एलिमेंट होते हैं, मेन क्लॉज का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बात इंपॉर्टेंट है? इंटरनल एम्बेडेड लैंग्वेजेस लैंग्वेज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ लार्जर फ्रेज, ये भी मैंने बात की। द अकरेंस ऑफ एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड्स में बी मोटिवेटेड बाई प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस, यानी कि अगर हम अपने लैंग्वेज के अंदर एम्बेडेड लैंग्वेज आइलैंड यूज़ करें
यानी कि एम्बेडेड लैंग्वेज के ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो या प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन होंगी, यानी कि वो हमारी लैंग्वेज के अंदर की कंसिडरेशन होंगे, या फिर ये कि हमारे स्पीकर नहीं बल्कि अगर हम खुद स्पीकर हैं तो हमारी इंटेंशंस ये होंगी कि हमने इस तरह से लैंग्वेज को आगे लेके जाना है। तो ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अबाउट फॉरेन मॉडल। फॉरेन मॉडल जो है वो MLF का मॉडल का ही एक रिफाइनमेंट है, यानी कि MLF के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वेंजिंग करके उसको ना थोड़ा सा रिफाइन करके उस पर कलर शलर करके F4M मॉडल बनाया गया। इसको 4M मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 मॉर्फीम टाइप्स के बारे में बात करती है। एक है कंटेंट मॉर्फीम, एक है अर्ली सिस्टम मॉर्फीम, एक है ब्रिज लेट सिस्टम मॉर्फीम और आखिरी वाला है आउटसाइडर लेट सिस्टम मॉर्फीम। इन चार मॉर्फीम्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले कंटेंट एंड अर्ली सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं विच आर कॉन्सेप्चुअली एक्टिवेटेड, यानी कि इन ये कॉन्सेप्ट के अंदर एक्टिवेटेड होते हैं, एक्टिवली उस लैंग्वेज के अंदर पार्टिसिपेट करें एंड प्ले रोल इन द मेंटल लेक्सिकॉन। और ये जो है ना हमें मेंटल लेक्सिकॉन देने में, यानी कि हमें लैंग्वेज की मीनिंग समझाने में इनका रोल होता है। व्हाइल लेट सिस्टम मॉर्फीम्स आर एक्टिवेटेड एट द फॉर्मुलेटर लेवल। देखिए कंटेंट या अर्ली सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स होंगे जो कि हमें मेंटल लेक्सिकॉन के बारे में बता रहे हैं या वो उस लैंग्वेज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें कॉन्सेप्ट देने के लिए। लेट सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं कि जो हमें कॉन्सेप्ट देने के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं बल्कि उस लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कंटेंट या फिर अर्ली सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे हैं जो आपको आइडिया दे रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जबकि लेट सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स हैं जो आपको आइडिया नहीं दे रहे लेकिन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ब्रिज लेट सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे मॉर्फीम्स को कहेंगे कि दे आर फ्रेजेस एंड दे डिपेंड ऑन वेल फॉर्मनेस कंडीशंस, व्हाइल आउटसाइडर लेट सिस्टम मॉर्फीम्स लुक आउटसाइडर देयर इमीडिएट फ्रेज और फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फॉर्म। ब्रिज का मतलब भी यही है ना कि दो जगहों को कनेक्ट करना। तो ब्रिज लेट सिस्टम मॉर्फीम्स जो होते हैं वो फ्रेजेस के अंदर अकर होते हैं और ये क्या करते हैं, फ्रेजेस के आपस में कनेक्टेडनेस पैदा करते हैं। फ्रेजेस को बनाने में, फ्रेजेस की कंडीशंस को बनाने में या उनको कनेक्ट करने में जो काम अदा करते हैं या जो रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं ब्रिज लेट सिस्टम मॉर्फीम्स। और आउटसाइडर लेट सिस्टम मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं जो बेचारे आउटसाइडर्स हैं, यानी कि उस लैंग्वेज के नहीं है बल्कि आउटसाइडर्स हैं लेकिन फिर भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द फ्रेज। लेट सिस्टम मॉर्फीम्स आर लेस प्रोन टू चेंज। अगर हम अपने लैंग्वेज के अंदर लेट सिस्टम मॉर्फीम्स लगा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत कम होगा कि वो चेंज होंगे, यानी कि उनके चेंज होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे। 4M मॉडल जो है वो हमें कोड स्विचिंग, कन्वर्जेंस या एट्रिशन और क्रियोल डेवलपमेंट तीनों को समझने में हेल्प करती है, इसलिए 4M मॉडल को आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट कन्वर्जेंस एंड अट्रैक्शन नहीं बल्कि एट्रीशन है, ठीक है। कन्वर्जेंस एंड एट्रीशन हैपन व्हेन पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस लिव इन अ कम्युनिटी वेयर वन लैंग्वेज इज डोमिनेंट एंड देयर नेटिव लैंग्वेज स्टार्ट्स टू बिकम मोर लाइक द डोमिनेंट लैंग्वेज। कन्वर्जेंस या फिर एट्रीशन उस जगह पर होती है जहाँ पर ऐसे बाइलिंगुअल्स हैं कि जिनको दो लैंग्वेजेज आती हैं, ठीक है, लेकिन उन दोनों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज डोमिनेंट है और जो लैंग्वेज डोमिनेंट नहीं है ना वो डोमिनेंट लैंग्वेज की तरह बन रही है, उसके अंदर इतनी चेंजिंग्स आ रही हैं कि वो भी डोमिनेंट लैंग्वेज की तरह बन रही है। सपोज उर्दू में इतनी चेंजिंग्स आएंगे कि वो इंग्लिश की तरह लगने लग जाए, खुदा नखास्ता, तो तब हम ये कहेंगे कि उसके अंदर कन्वर्जेंस या एट्रिशन पैदा हुई है, ठीक है। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? कन्वर्जेंस मीन्स दैट बाइलिंगुअल्स यूज सम सरफेस लेवल फॉर्म्स ऑफ वन लैंग्वेज बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट पार्ट ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द डोमिनेंट लैंग्वेज। यानी कि अब कन्वर्जेंस क्या होती है, अब हम लोग, मैं इस टाइम ना कन्वर्जेंस कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं उर्दू का सरफेस लेवल यूज़ कर रही हूँ, उर्दू का स्ट्रक्चर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस इंग्लिश के हैं जो मैंने अभी वीडियो शुरू की, जब से मैंने बात की तब से इंग्लिश क्योंकि डोमिनेटेड लैंग्वेज है स्पेशली हमारी स्टडीज़ में, ठीक है, तो मैं उर्दू यूज़ कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर यूज़ कर, इंग्लिश के वर्ड्स बहुत सारे यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरी कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है। एक लैंग्वेज को यूज़ करना लेकिन जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको ज़्यादा यूज़ करना उसके अंदर, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। एट्रिशन का क्या मतलब है? लैंग्वेज चेंज, जब एक बंदा अपनी स्पीच कर रहा है यानी कि पर्सन स्पीच एंड इट्स यूजुअली स्टडीड ऑन इंडिविजुअल लेवल। देखिए कन्वर्जेंस जो होती है ना वो जनरल लेवल पे होती है जनरली, जबकि एट्रिशन जो है वो सिंगल बंदे की होती है। कन्वर्जेंस तब होगी जब हम पूरी क्लास वाले, पूरा एक ग्रुप, पूरे ऑफिस वाले, पूरी कंपनी वाले वालों के इस बात को स्टडी की जाए कि हम लोग उर्दू यूज़ करते हैं लेकिन उसके अंदर इंग्लिश डोमिनेंट है तो उसको ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन एट्रिशन तब हम कहेंगे जब हम हर बंदे की अलग अलग से लैंग्वेज को स्टडी करेंगे या लैंग्वेज को देखेंगे। कन्वर्जेंस मतलब जनरल, एट्रिशन मतलब स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स।
कन्वर्जेंस एंड एट्रिशन कैन हैपन विद और विदाउट कोड स्विचिंग. कन्वर्जेंस जो होती है ना विद या विदाउट कोड स्विचिंग की भी होती है, लेकिन अभी जो मेरी कन्वर्जेंस या फिर मेरी एट्रिशन जो हो रही है वो कोड स्विचिंग के साथ साथ हो रही है, ठीक है. दिस चेंजेस प्राइमरली इफेक्ट नाउन्स एंड वर्ब्स. जब हमारी लैंग्वेज के अंदर चेंजिंग्स आती हैं तो यहाँ पे नाउन्स और वर्ब्स अफेक्ट होते हैं. अभी आप भी देखें ना कि मैं अपने इस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे नाउन्स और वर्ब्स जो हैं वो इंग्लिश के यूज़ कर रही हूँ. कन्वर्जेंस कैन लीड टू चेंज इन वर्ड ऑर्डर. कन्वर्जेंस की वजह से ना वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है. वर्ड ऑर्डर इंग्लिश बात हमेशा लाजमी नहीं कि आप कोड स्विचिंग या कन्वर्जेंस कर रहे हो तो हमेशा आप वर्ड ऑर्डर उर्दू वाला ही यूज़ करें. बाज़ दफ़ा आप वर्ड ऑर्डर चेंज भी करते हैं. क्योंकि वो जो है ना लैंग्वेज डोमिनेंट लैंग्वेज का एक इफेक्ट है कि हो सकता है हम डोमिनेंट लैंग्वेज वाले ऑर्डर में वर्ड्स बोलें, तो कन्वर्जेंस के अंदर ये चीज़ भी होती है. कन्वर्जेंस के अंदर क्या होता है कि स्पीकर यूजुअली रिटेन देयर मेन लैंग्वेज. इसमें ना हम अपनी मेन लैंग्वेज को रिटेन तो करते हैं लेकिन कुछ फीचर्स डोमिनेंट लैंग्वेज से लेकर आते हैं. लेकिन एट्रिशन के अंदर क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है, ठीक है. मतलब ये कि कन्वर्जेंस के अंदर मेरी मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही उर्दू ही है लेकिन इसके अंदर कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ रहे हैं, जबकि एट्रिशन का ये मतलब है कि पूरी ही लैंग्वेज काइंड ऑफ शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, ठीक है. तो इसको हम कहेंगे एट्रिशन. तो एट्रिशन और कन्वर्जेंस के अंदर एक तो ये कि इंडिविजुअल और जनरल का डिफरेंस है और दूसरा जो है ना लैंग्वेज शिफ्ट का डिफरेंस, ये दो डिफरेंसेज आ गए, ठीक है. अब सिमिलरिटी क्या है कि बोथ कन्वर्जेंस एंड एट्रिशन इन्वॉल्व सब्सटीट्यूशंस ऑफ फीचर्स. दोनों के अंदर ना सब्सटीट्यूशंस होती है, यानी कि दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है. बाकी इसी एक दफ़ा आप लोग खुद रीड कर लें. पिजन एंड क्रियोल. पिजन एंड क्रियोल जो होते हैं वो रियल लैंग्वेजेस होते हैं. पहले ये बताया जाता था ना कि पिजन और क्रियोल लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन अभी आप ये देख लें कि पिजन और क्रियोल जो है वो रियल लैंग्वेजेस हैं. क्रियोल जो है उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है पिजन की निस्बत, लेकिन दोनों के अंदर वेल फॉर्म्ड कंडीशंस होती हैं, यानी कि दोनों के अंदर वेल फॉर्मनेस मौजूद होती है. क्रियोल्स जो हैं दे वर थॉट टू बी एलेबरेटेड वर्जन ऑफ पिजन. पहले ये समझा जाता था कि पिजन जो है वो डेवलप होकर क्रियोल बनती थी, लेकिन अभी क्रियोलिस्ट्स ने यानी कि जो लोग क्रियोल को स्टडी करते हैं उन्होंने ये देखा कि पिजन से ही डेवलप होकर क्रियोल नहीं बनती है, बल्कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर सिमिलरिटी आ रही है, ठीक है. पिजन्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड या स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की वजह से लोगों में बनते हैं. सपोज दो लोग हैं, दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके दरमियान ट्रेड हो रहा है, तो उस ट्रेड की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए उस स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए जो लैंग्वेज बनेगी उसको हम कहेंगे पिजन. पिजन जो है वो एडल्ट क्रिएट करते हैं विद सिंपल कम्युनिकेशन जो कि किसी गोल के लिए हो. अभी मैंने एग्जाम्पल दी उसमें क्या गोल था, बिजनेस, ठीक है. पिजन और क्रियोल दोनों के अंदर लिंग्विस्टिक फीचर्स जो हैं वो यूनिक होती हैं. पिजन्स एंड क्रियोल्स. पिजन एंड क्रियोल आर रियल लैंग्वेजेस, वही बात जो मैंने आपको बता दी, ठीक है. क्रियोल्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने आपको बता दी बात. क्रियोल्स आर थॉट टू डेवलप फ्रॉम कॉन्टिनम, ये भी बताई कि पिजन और क्रियोल के अंदर ना थोड़ी सी कॉन्टिनम आ जाता है, मतलब ये कि उनके अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग आ जाती है. वो इसलिए क्योंकि वो दोनों एंसेस्टर पिजन, एक ही पिजन से ही बने हुए होते, मतलब एक ही पिजन की दोनों औलाद हैं, ठीक है. एंसेस्टर पिजन से बने हुए हैं इसलिए उनके अंदर थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है. पिजन्स आर क्रिएटेड बाय एडल्ट्स, ये भी मैंने आपको बात बता दी. क्रियोल्स अराइज इन यूनिक सोशल सिचुएशन. अब क्रियोल को देखिए कि क्रियोल कहाँ बनता है, यूनिक सोशल सिचुएशंस में बनता है जहाँ पे विद लिमिटेड एक्सेस टू ओवरसीयर्स लैंग्वेज चिल्ड्रन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंफॉर्मेशन ऑफ क्रियोल ग्रामर अकॉर्डिंग टू सम थियरीज. क्रियोल्स वर्ल्ड वाइड शेयर सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है. क्रियोल और पिजन के अंदर ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी है लेकिन डिफरेंस भी है. क्रियोल जो है वो क्या होते हैं, किसी सोशल सिचुएशन में बनते हैं, जबकि पिजन्स किसी स्पेसिफिक या लिमिटेड एरिया के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है. क्रियोल की फॉर्मेशन में बच्चों का बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे जब उसको बोलते हैं तो तब क्रियोल की जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि लैंग्वेज बच्चों के अंदर LED होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. क्रियोल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिक्स सब्सटेंस एंड सुपर स्ट्रेट लैंग्वेज. जब दो लैंग्वेजेस हैं, सपोज दो पिजन्स हैं, तो वो दोनों पिजन्स जब मिक्स हो जाएंगे, रीस्ट्रक्चर हो जाएंगे, उनके अंदर की चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो तब क्रियोल बन सकता है. टू टारगेट हाइपोथेसिस सजेस्ट क्रियोल क्रिएटर्स बोथ सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट सुपर स्ट्रेट लैंग्वेजेस टू डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज. अब हाइपोथेसिस एक ये है कि दो टारगेट लैंग्वेजेस होते हैं जिनसे मिलकर क्रियोल बनती है, उनमें से एक लैंग्वेज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को कहते हैं सुपर स्ट्रेट. ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, कोई थीरी वगैरह नहीं है. तो फिर यहाँ तक हमने बात की अबाउट द पिजन्स एंड क्रियोल्स. अब इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे अभी के अगर हम एग्जाम के लिए देख रहे हैं, सपोज आप खुद को टीचर सपोज कहें तो एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है. पिजन और क्रियोल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कन्वर्जेंस और एट्रिशन में डिफरेंस
इम्पॉर्टेंट है, फॉर एम मॉडल को भी याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद MLF मॉडल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म प्रिंसिपल मॉडल और मैट्रिक्स लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड स्विचिंग, हाँ कॉर्ड स्विचिंग क्या होती है ये भी बात जहन में रखें। बाकी ये सारी तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये बहुत कम चांसेस हैं इनके कि ये कोई आपको पेपर में दे दे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही लंबे चैप्टर को बहुत ही मुश्किल से और लंबे से चैप्टर, देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा पेजेस थे, तो इनको बहुत सिंप्लीफाई करके और बहुत इजी तरह से हमने इसकी डिस्कशन कर ली। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपका क्या जाता है, और आगे शेयर भी करें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।